राज्यसभा सांसद और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बागपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों का सम्मान किया। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। ऐसे में पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने भी अपना जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच पर खड़े होकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अभी जब एशिया के मेडलिस्ट भारत लौटे तो भारत सरकार ने एक बड़ा सम्मान समारोह किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो जाए इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन मैं पीएम मोदी के इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था तब 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे और ये सरकार रुपए खर्च करने में किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे ही है। अभी जब एशिया के मेडलिस्ट जब वापिस लौटे भारत को, तो एक बड़ा सम्मान समारोह भारत सरकार ने भी किया। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि 2036 में भारत में ओलंपिक्स का आयोजन हो जाए इसके लिए हम लोग प्रयास करें। आपको बात अटपटी लग सकती है क्योंकि एक तरफ मैं खेल और खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, उनका पक्ष रख रहा हूं, लेकिन वहीं मैं इस बात के का समर्थन नहीं करता हूं। जब भारत में एशियाड का खेल होने जा रहा था उस समय पुराने लोग बैठे हैं ना टोपी वाले, पता है उस समय मेरे दादाजी ने भी विरोध किया। उन्होंने ये कहा था कि देश में इतने संसाधन नहीं है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ 70,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च हो गए और ये सरकार खर्चा करने में किसी के पीछे नहीं है, आगे ही है। जयंत चौधरी ने कहा, आप कल्पना करो अगर देश में ओलंपिक गेम्स कराया जाएगा तो उससे देश का अरबों खरबों रुपए बर्बाद होगा, इससे अच्छा देश की सभी ग्राम सभाओं में खेल मैदान बनवाइए और उसमें कोच की नियुक्ति करिए जिससे कि पूर्व के खिलाड़ियों को नौकरी मिल सके और हमारे जमीनी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल सके। आप कल्पना करो 2036 में अगर ओलंपिक का खेल का आयोजन करेंगे कितने अरबों खरबों रुपए जो उसमें लगाया जाएगा। उससे बेहतर होगा कि देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में आप स्टेडियम का निर्माण कराइए, कोच की नियुक्ति कीजिए ताकि पूर्व खिलाड़ियों को नौकरी मिले, वहीं जमीनी जो हमारे खिलाड़ी हैं जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको प्रॉपर प्रशिक्षण मिले, उनके जो हुनर है जो काबिलियत है उसका विकास हो। लेकिन अब निर्णय सरकार का है, मैं इस मंच के माध्यम से अपना विरोध जताता हूं और पूरी खेकड़ा और हमारे जनपद की तरफ से बजरंग जी को धन्यवाद देता हूं। इनकी खुद की भावना थी चल के आए, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत अन्याय भी कहा है, कोई भी गांव देहात का व्यक्ति उससे दूर नहीं है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है आप बता सकते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी भावनाएं और संवेदनाएं बजरंग भाई आपके और आम खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। पदक विजेताओं का सम्मान करने के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत में खेकड़ा के गांधी इंटर कॉलेज में पहुंचे थे। आपको बता दें एशियन गेम्स में रोइंग में मवीकला गांव के सेना के जवान नितेश उज्जवल और आदर्श नंगला के नीरज मान ने रजत पदक, अंगतपुर गांव के अखिल शिवराण ने राइफल शूटिंग टीम में स्वर्ण पदक, ढिकाना गांव की बहु प्रीति तोमर ने एथलेटिक्स के कांस्य पदक जीता। खेकड़ा के अंकुर धामा ने एशियन पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इन सभी खिलाड़ियों के घर जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं।